हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फलों के राजा कहे जाने वाले आम के फायदा बताऊंगा। वैसे तो आम के फल हमें हर सीजन में नहीं मिलने वाले, लेकिन इसके पत्ते मिल जाते हैं, तो आयुर्वेद में इसके पत्ते का बहुत सारा ढेरों सारा फायदा बताए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, तो आप अपना 4 से 5 मिनट का बहुमूल्य समय मुझे देना। अगर आप 4 से 5 मिनट का आज मुझे बहुमूल्य समय देते हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा, यानी कि आम के पत्ते का फायदा बताऊंगा। देखिए, जो आम होते हैं ना, इसमें किसी भी प्रकार के, इसके जो कच्चे कच्चे आम होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल को डाल करके पका सकते हैं, पकाया भी जाता है, मार्केट में बेच देते हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आम जो शुद्ध होता है, पका जो आम इसके फल होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके जो पत्ते होते हैं ना, 100% नेचुरल होंगे, शुद्ध होंगे और आपके सेहत पर लगेंगे, आपके सेहत को काफ़ी लाभ पहुँचाएंगे। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी जो होती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकते हैं। और जो मैं आप लोगों को आम के आज फायदा सिखाऊंगा इसके पत्ते का, स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, और आप भी हमारे वीडियो को देख करके घर का वैद्य बन सकते हैं, अपने लाखों रुपए को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हमारे इस वीडियो का मकसद ही है दोस्तों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर कोई जड़ी बूटी पेड़ पौधे जो होते हैं ना, इसके औषधि गुणों को पहचाने। तो मैं आप लोगों को जो भी जानकारी बताता हूँ, आयुर्वेद की किताब चरक संहिता, सुश्रु संहिता और जो भी प्राकृतिक तरह का उपचार बताए हुए रहते हैं आयुर्वेद की बुक, उससे बताता हूँ। कुछ प्रयोग अजमाया हुआ होते हैं और कुछ प्रयोग हमने कई लोगों पे किए हुए होते हैं। तो आधे बीच में वीडियो को कभी भी छोड़ करके मत जाया करें, क्योंकि अधूरे ज्ञान किसी काम की नहीं होती। हो सकते हैं हम आप लोगों को जितनी मात्रा सिखा रहे कम ज़्यादा ले लें, तो इसमें आपको ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका फायदा बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, चरक ने आयुर्वेद को अमृत और जड़ी बूटी पेड़ पौधे पत्ते को संजीवनी बूटी कहा है। अर्थात संजीवनी बूटी का मतलब होता है नए जीवन प्रदान करने वाला, और आयुर्वेद को अमृत कहा है। आयुर्वेद को अमृत इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि हम अपने मरते हुए अपने झुझल शरीर को, दुर्बल शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए अमृत के जैसा होते हैं। तो आइए जानते हैं, मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये डायबिटीज की बीमारी को आम के जो पत्ते होते हैं जड़ से समाप्त कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, एक काम करें, इसके पत्ते को सुखा करके पाउडर बना लें, या आप चाहते हैं तो इसके 4 से 5 पत्ते को आधे से एक गिलास पानी में डाल लें, थोड़ा सा कोमल पत्ते होना चाहिए, और अच्छी तरह से पकाएं। जब यह आधे गिलास पानी बच जाए, शेष बच जाए, तो इसके काढ़े को अच्छी तरह से आपको सुबह शाम कहा जाए तो सुबह शाम खाली पेट में आपको पीना है, तो कैसा भी शुगर की बीमारी हो ठीक हो जाते हैं। ये ब्लड में बढ़े हुए इंसुलिन की मात्रा को घटाने का काम करते हैं। अगर नियमित रूप से 2 महीने तक इसके पत्ते का सेवन किया जाए, तो आयुर्वेद की जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं उसमें चरक महात्मा ने बताए हैं कि यह शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। दूसरा बात, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शुगर की बीमारी अधिकतर उन लोगों को होती हैं जो कि दोस्तों जमीन पे बैठ करके खाना नहीं खाते हैं, या जो लोग अनाप शनाप खाना खाते हैं। एक बात बताना चाहूँगा, खाना जब भी हो चबा चबा करके खाना चाहिए, भोजन जो है दोस्तों धरती पर ही करना चाहिए। तो आयुर्वेद में एक इसके दोहे भी बने, कहते हैं कि भोजन करे धरती पर, अलथी पलथी मार, चबा चबा करके खाइए वेदना झांके द्वार। तो हमेशा खाना को चबा करके खाना चाहिए, और भोजन जब भी करे तो धरती पर ही करे, तब जा करके दोस्तों आपके शरीर को लगता है। दूसरा, इसके फायदे इस प्रकार से हैं इसके पत्ते का, अगर किसी को पेट दर्द होते हैं तो इसके पत्ते को उबाल करके उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके पिला दिया जाए तो पेट के दर्द ठीक हो जाते हैं। अगर आम के ऊपर में, इसका और भी फायदा बता रही हूँ, इसके पत्ते का फायदा नहीं है, अगर आम के पेड़ के ऊपर में अमर बेल लगा हुआ मिल जाते हैं, तो अमर बेल ले आए और इसे सुखा करके कूट पीस करके पाउडर बना लें, और आधा चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को पानी में डाल करके छोटे बच्चे को पिला देने से, जो छोटे बच्चे बड़ा नहीं रहे, नाटे रह गए हैं, तो नाटे बच्चे का भी कद बढ़ जाते हैं और चमत्कारिक तरीके से काम करते हैं। हमने यह प्रयोग बहुत से लोगों पे किए हैं। तो यही थे कुछ इसके फायदे दोस्तों। अगर लीवर संबंधी परेशानियों से भी आप जूझ रहे हैं, तो इसके पत्ते का काढ़ा बना करके पीने से लीवर संबंधी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, हमारे लीवर स्ट्रांग हो जाते हैं, या टॉनिक की तरह काम करते हैं। तो यही थे कुछ इसके छोटे से जानकारी फायदे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। हम ज्यादा जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।